दोस्तों, अगर आप लोग मनोज दे के वीडियोस को देखते हो तो रिसेंटली आप लोगों ने मनोज दे के चैनल पर इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, जिसमें मनोज दे ने जो है फेमस सॉन्ग कच्चा बादाम के सिंगर बुबान के ऊपर एक वीडियो बनाया था। और इस वीडियो का थंबनेल उन्होंने रखा था दुनिया बेमाने। और इस वीडियो में उन्होंने जो है बताया था जो कच्चा बादाम सॉन्ग है जिनके सिंगर बुबान है, लोग कैसे इनका फ़ायदा उठा रहे। और कुछ दिन बाद अपने व्लॉग चैनल पर इन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें वो जो है कच्चा बादाम सॉन्ग के सिंगर भुबान को 25,000 रुपये का चेक दे रहे थे। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, बट अचानक लोगों ने मनोज दे को स्कैमर कहना क्यों स्टार्ट कर दिया और इसके पीछे पूरी सच्चाई क्या है और मनोज दे ने कैसे 25,000 दे के उससे भी कई ज़्यादा पैसे कमाए हैं भुबान के ज़रिए, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर से देखते रहना। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हो तो वहाँ पर आप लोगों को पता होगा एक ट्रेंड निकला था जो कि था कच्चा बादाम। तो यहाँ पर जो है बुबान उस सॉन्ग से बहुत ज़्यादा फेमस हुए और उनका जो है एक ऑफिशियली म्यूज़िक भी लॉन्च किया गया था, जहाँ पर उन्हें जो है 30,000 के आसपास कुछ पेमेंट दी गई थी उस म्यूज़िक के लिए। और मनोज दे ने जो है अपने मेन चैनल मनोज दे वाले चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसके थंबनेल में कच्चा बादाम सॉन्ग के सिंगर बुबान थे और उन्होंने लिखा था दुनिया बेईमाने। और वहाँ पर उन्होंने उस वीडियो में बताया कि कैसे लोग जो है बुबान के वायरल होने के बाद, उनके फेमस होने के बाद उनके घर जा रहे हैं और उनसे जो है व्यूज़ लेकर अपने पैसे कमा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो उनको गिफ्ट दे रहे हैं, 10-15 हज़ार का गिफ्ट दे रहे हैं और उससे कहीं ज़्यादा पैसे जो है वो वहाँ से कमा रहे। और मनोज दे ने जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया था कि उनको जो है एक ऑफिशियली म्यूज़िक जो उनका लॉन्च हुआ था उसके लिए 30,000 रुपये दिए गए थे, जबकि उस वीडियो पर जो है कई ज़्यादा व्यूज़ आए और उससे और उन व्यूज़ से जो है 30,000 से ज़्यादा की अर्निंग भी हो गई होगी। तो मनोज दे ने जो ऐसे बहुत सारे पॉइंट उस वीडियो में उठाए थे। उसके 2-3 दिन बाद जो है मनोज दे ने अपने व्लॉग वाले चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया था कि 25,000 कच्चा बादाम सॉन्ग वाले अंकल को। और यहाँ पर वो जो है मनोज दे अपने फ्रेंड्स के साथ कच्चा बादाम के जो सिंगर है बुबान उनके घर पर और उनके गाँव पर विजिट किए। और गाँव पर विजिट करने के बाद उन्होंने बहुत सारी उनकी बातें की, यूट्यूब चैनल उन्हें ओपन करके दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट भी उनका ओपन करके दिया। और उसके बाद उन्होंने जो है 25,000 रुपये का चेक दिया था बुबान जी को। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा था, आप लोग ये सुन सकते हो, क्या होगा लाइफ टाइम कुछ ना कुछ पैसा अर्न करेगा, लेकिन ये पैसा नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दान पुण्य दिखा के नहीं किया जाता। तो मनोज ने कहा था कि दान धर्म जो है बता के नहीं किया जाता, बट मनोज ने क्लियरली अपने टाइटल में वो अमाउंट लिख दिया था और साथ ही जो है टाइटल में भी अमाउंट लिख दिया था कि उन्होंने जो है 25,000 रुपये का चेक दिया है। उसके बाद भी मनोज दे ने जो है शायद जानबूझकर या गलती से ये कह दिया कि दान धर्म जो है बता के नहीं किया जाता। अब बहुत सारे लोग जो है इस पॉइंट को पकड़ने लगे कि मनोज दे ने टाइटल में पैसे लिखे, 25,000 रुपये का चेक दिया और वीडियो में कहता है कि जो है दान धर्म बता के नहीं किया जाता। ये पॉइंट जो है बहुत सारे लोगों ने उठाया। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि मनोज दे के व्लॉग चैनल पर जो है एवरेज 1-2 लाख ही व्यूज़ आते, बट जो कच्चा बादाम सॉन्ग के सिंगर है बुबान जब वो उनसे मिलने गए तो अचानक उनके व्लॉग वाले चैनल पे 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए। तो जो मनोज ने 25,000 रुपये वहाँ पर दिए थे तो ये 5 लाख व्यूज से तो उन्होंने उससे कई ज़्यादा रुपये अर्न भी कर लिए होंगे, यानी कि 25,000 दे के उन्होंने 50,000 के आसपास अर्निंग भी कर ली होगी। और जो वहाँ पर उन्होंने एक और व्लॉग अपलोड किया भुबान के साथ ही उनको अपने कार में बिठा के, और इस वाले व्लॉग पे भी 3 लाख के आसपास व्यूज़ आ चुके हैं। और अगर जो मेन चैनल है जो मनोज दे का मेन चैनल है उस पर जो उन्होंने वीडियो अपलोड किया था दुनिया बेईमाने इस पर भी 3 लाख व्यूज़ आए हैं। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे कि उन्होंने 25,000 दे के 3 वीडियो अपलोड किए और अगर तीनों वीडियो के व्यूज़ मिला दिया जाए, जो कि मनोज दे ने भुबान के ऊपर 3 वीडियो बनाए, उन तीनों वीडियो के अगर व्यूज़ मिला दिया जाए तो टोटल 12 लाख व्यूज़ के आसपास होते। तो लोगों का कहना है कि मनोज दे ने 25,000 रुपये दिए और उनके साथ 3 वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पर जिसपे 12 लाख व्यूज़ आए हैं। तो मनोज दे ने जो 25,000 दे के बहुत ज़्यादा अर्निंग कर ली है भुबान का नाम यूज़ करके, ऐसा बहुत सारे लोगों का क्लेम है जो कि बहुत हद तक सही भी है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जब मनोज दे ने वीडियो अपलोड की थी दुनिया बेईमान है और उसमें उन्होंने यही बताया था कि लोग कैसे उनका फ़ायदा उठा रहे, तो उसके बाद जो है मनोज दे को उनके गाँव विजिट नहीं करना चाहिए था, और अगर गाँव विजिट भी कर रहे तो उनको एक व्लॉग शूट नहीं करना चाहिए था, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है। तो मनोज दे की जो भी कंट्रोवर्सी थी वो सारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए। अब आप ही लोग ये डिसाइड करना जो मनोज दे ने किया वो सही था या गलत था, और मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना कि जो मनोज दे ने किया था वो सही है या गलत। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।